हे फ्रिक्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सो कैंग द कॉन्करर एमसीयू की प्रेजेंट सागा का मेन विलन होने वाला है, जो इंट्रोड्यूस होगा एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया मूवी से। मगर वहाँ पे जो दिखेगा ना वो बस ट्रेलर है, क्योंकि असली कांड तो कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में होगा। और भाई आप मानो ना मानो, कैंग मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कमीना विलन है, जो बड़े बड़े हीरोज की नाक में दम कर देता है। वो कोई छोटा मोटा विलन नहीं है। मगर अगर आप पावरफुल होने को रिलेट कर रहे हो पावर्स होने से, तो बता दो कि कैंग एक ऐसा बीइंग है जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बस उसके पास कुछ फाइटिंग स्किल्स है जिसके कारण वो हैंड टू हैंड बैटल में बहुत बेहतरीन है। मगर इसके अलावा उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। उसके पास बस एक ही हथियार है, वो है उसका दिमाग, उसका इंटेलेक्ट। जिस इंटेलिजेंट दिमाग का इस्तेमाल करके वो इतने खतरनाक डिवाइसेस, टेक्नोलॉजीज और स्ट्रेटजीज बनाता है कि बड़े बड़े हीरोज उसके सामने धूल हो जाते हैं, और हर एक बड़ा बड़ा कांड उसी के नाम पे होता है। और उसकी खुराफाती दिमाग, उसकी आइडियाज उसे मार्वल के सबसे खतरनाक और सबसे कमीने विलन्स में से एक बनाता है। साथ ही में वो जो जो डिवाइसेस, गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है, और जैसे इस्तेमाल करता है वो उसे पावरफुल बनाता है। और सबसे बड़ी चीज जो उसके हाथ में है वो है टाइम। वो टाइम और टाइमलाइंस को लेके ऐसे खेलता है जैसे किसी बच्चे के हाथ का खिलौना हो। और खुद के पास कोई ज्यादा खास पावर्स ना होने के बावजूद भी वो बहुत पावरफुल है। उसने थ्रू ऑफ द हिस्ट्री जो जो कांड किए हैं, जो जो फीट्स है, वो दिमाग हिला देने वाले हैं। और इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैंग कितना पावरफुल है, कितना खतरनाक है, वो क्या चीजें हैं जो साबित करते हैं कि कैंग बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। तो मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल और कमीना विलेन होने के नाते कैंग द कॉन्करर के पास सुपर स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस जैसे छोटी मोटी कुछ एबिलिटीज तो है ही। मगर कैंग द कॉन्करर थ्रू आउट द कॉमिक्स टेक्नोलॉजी पे ज्यादा रिलाय करते आया है, जिसके चलते उसने अपने दिमाग लगा के अपने आर्मर से लेकर कई ऐसे ऐसे टेक्स बनाए हैं जो उसकी ताकत, एबिलिटी और खौफ को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। और जिनमें से सबसे पहला नोटिसेबल जो टेक आता है वो है कैंग का पावर आर्मर, जिसे आप पावर सूट भी कह सकते हो। अब देखो, कैंग एज इट इज एक नॉर्मल इंसान की तरह ही है, जो टोनी स्टार्क की तरह जीनी से, मगर उसके पास कोई खास सुपर पावर्स नहीं है, जिसके चलते कैंग द कंकरर ने सेंचुरीज तक रिसर्च कर करके खुद के लिए क्रिएट किया था एक पावर सूट, जो कैंग को हेवी वेट्स लिफ्ट करने की ताकत देती है, और साथ ही में अपने हाथों से एनर्जी बीम्स प्रोजेक्ट करने की भी एबिलिटी देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इवन कैंग का ये सूट कम्प्लीटली अनटचेबल है, यानी अगर कोई कैंग को छूने की कोशिश करेगा तो उसे एक बहुत ही पावरफुल, जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, मतलब छू भी नहीं सकते आप इसको। तरस आता है इसके मासूम पे। मगर अगर आपको लगता है कि कैंग बिना अपने आर्मर का स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो, क्योंकि इस कमीने ने बिना अपने सूट को पहने भी कॉमिक्स में पेट्रियट को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हरा दिया था, मतलब फाइटिंग स्किल में, हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, और ह्यूमन लेवल एक्सट्रीम स्ट्रेंथ पे वो अच्छा है। और क्वांटमिनिया के ट्रेलर में भी एंटमैन का जो उसने हाल किया वो तो आप लोगों ने देख लिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। मगर फिर भी एवेंजर्स जैसे सुपर हीरोज से लड़ने के लिए ऑब्वियसली सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेंथ और एनर्जी बीम्स काफी नहीं है, तो इसीलिए कैंग के पास और भी बहुत सारी चीजें और एबिलिटीज है। कैंग के पास एक एंटी ग्रेविटी डिवाइस है जो उसे टेलीकाइनेसिस की भी पावर देती है, जिसके जरिए वो भारी भारी वेट्स को आसानी से हवा में उड़ा सकता है, कंट्रोल कर सकता है, भारी भारी चीजों को हवा का झोंका बना सकता है और आप पे बरसा सकता है। और इसके अलावा कैंग के पास लाइट ऑफ द सेंचुरी स्पेयर भी है, जो उसे हेल्प करता है टेलीपोर्ट करने में। मगर कमाल की बात तो ये है कि कैंग इसके जरिए सेंचुरीज में कहीं पे भी आगे पीछे टेलीपोर्ट हो सकता है, और ऐसा करना लाजमी भी है, क्योंकि कैंग का मेन मकसद टाइमलाइंस को कॉन्कर करना और उनको सेटल करना है, जिसके चलते टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन ये उसके लिए आम बात है। वो सदी में कहीं पे भी किसी भी टाइम पे टेलीपोर्ट हो सकता है। और इसके अलावा एट द एंड कैंग के पास एलियट नामक एक मॉन्स्टर भी है, जिसको उसने अपना पेट बना के रखा है, और इस मॉन्स्टर को हमने लोकी सीरीज में भी देखा था, जो ह्यूमंस के लिए काम कर रहा था और वॉइड में आई हर एक चीज को खा जा रहा था। मगर कॉमिक्स में एलियट कैंग का गुलाम है और भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये कॉमिक्स में लिटरली वास्तविकता की हर एक चीज को खा ले सकता है, एग्जिस्टेंस में मौजूद हर एक चीज को निगल सकता है। और एक बार तो प्राइम कैंग के आदेश में इसने कैंग्स के पूरे काउंसिल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मगर ये सब तो कैंग के बस कुछ ही हथियार है, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर ने गन्स, लेजर, टेम्पैड्स, बैटल बेसेस से लेकर मॉलिक्यूलर एक्सपेंडर तक क्रिएट कर रखा है, और ना जाने कितने सुपर हीरोज को हराने के लिए उसके पास कितने तरह के डिवाइसेस है। इवन एक स्टोरी लाइन में तो कैंग ने स्पाइडरमैन की एक एग्जैक्ट रोबोट कॉपी बना दिया था, जो अर्थ पे था और जिसे अर्थ पे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था। और तो और सेंटिनल्स जैसे सुपर पावरफुल रोबोट्स भी कैंग की इन्वेंशंस को लेकर कैंग की तारीफ करते रहते हैं, इतना बड़ा मास्टरमाइंड है वो। और रोबोट से याद आया, कैंग के पास कई हजारों रोबोट्स की आर्मी भी है, जिनके पास इतने पावरफुल
पावरफुल लेजर राइफल से क्यों आयरन मैन, जेसिका जोन्स, कैप्टन अमेरिका इन सभी को विद इन अ सेकंड नॉकआउट कर सकता है, विद इन अ सेकंड। और अपनी इसी जीनियस लेवल इंटेलेक्ट के चलते कैंग ने कई हजारों वर्ल्ड्स को, टाइमलाइंस को कॉन्कर किया है, कईयों को शैटर किया है और ना जाने कितने सैकड़ों लोगों को मारा है। और इन सब बातों से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कैंग के पास कोई खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी सुपर पावर तो नहीं है, मगर फिर भी वो अपने इंटेलेक्ट से अपने एबिलिटीज को सुपर स्ट्रॉन्ग बना दे सकता है, जिसके चलते उसने कॉमिक्स में कई सारे बहुत पावरफुल सुपर हीरोज को बहुत बुरी तरह से हराया है। और सिर्फ एक वर्सन को नहीं, उनके अलग अलग वर्सन को, जहाँ कैंग की सबसे बड़ी फीट हमें तब देखने को मिलती है जब उसने एमिन को हरा दिया था, वो भी बस अपने एक हाथ का इस्तेमाल करके। और जिन्हें नहीं पता बता दूं, एमिन को मार्वल कॉमिक्स में एपोकलिप्स का ट्विन माना जाता है और एपोकलिप्स कितना पावरफुल है वो तो आपको पता ही है। और कैंग ने उसके जुड़वा को बस कुछ सेकंड्स में ओवरपावर कर दिया था, सोच सकते हो। एंड इसके अलावा एनिमेटेड सीरीज में और कॉमिक्स में भी कैंग की एवेंजर्स के साथ कई बार शोडाउन हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर फाइट में तो एवेंजर्स कैंग के पास तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली विलेन है, उसे हारना तो है ही। मगर एक बार तो कैंग ने ह्यूमन टॉर्च को इतना बुरा मारा था कि वो कुछ घंटों के लिए अपने ह्यूमन टॉर्च वाले फॉर्म में वापस ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा था, और ऐसा उसने बस एक ब्लो में किया था। और एक कहानी में तो कैंग ने अपने रे गन से एक ऐसा लेवल का हमला किया था कि 20th सेंचुरी मैन भी उसके सामने हार मान गया था। और तो और एक स्टोरी लाइन में कैंग ने कैप्टन मार्वल के ऊपर अपनी डार्क फोर्स लेजर का एक इस कदर वार किया था कि वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। और अगर ये सब भी आपको कम लग रहा हो तो कैंग ने एक बार एक ऐसी गन क्रिएट की थी ना जो सिल्वर सर्फर के बॉडी को भी चीर सकता था, जिसके बॉडी को हल्क और वुल्वरीन जैसे लोगों के एडमेंटियम क्लॉज भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उसके बॉडी मेटल के टुकड़े कर सकता था कैंग का ये गन। और तो और इसके अलावा कैंग ने एक बार गोलायत तक से फाइट की थी, जिसमें उसने अपने एक डिवाइस से खुद का साइज बढ़ाकर गोलायत को बस केवल एक पंच से नॉकआउट कर दिया था, एक सिंगल पंच से। और इवन आयरन मैन के साथ जब कैंग की फाइट हुई थी ना, तब कैंग ने आयरन मैन को यानी टोनी को इतने बुरे पंचेस मारे थे कि उसके इंपैक्ट को टोनी अपने आर्मर के अंदर भी फील कर पा रहा था। और एक बार तो जब कैंग का ब्लैक बोल्ट के साथ इनकाउंटर हुआ था ना, तब इस कमीने ने ब्लैक बोल्ट को धमकी दी थी कि भाई ज्यादा उछलो मत, वरना वो ब्लैक बोल्ट की वॉयस एनर्जी को उसी के बर्थ के टाइम डाइवर्ट कर देगा। कमीना है ये बंदा। और साथ में कैंग के जो एनर्जी ब्लास्ट है वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो टेम्पर जैसे सुपर हीरोज को भी सिर्फ एक अटैक में मार सकता है। और एट द एंड कैंग की फाइट जब हरक्यूलिस से हुई थी ना, तब उसने ना सिर्फ हरक्यूलिस के पंचेस को टैकल किया था, बल्कि हरक्यूलिस के पंचेस को खाने के बाद भी वो उठ खड़ा हुआ था फिर से लड़ने के लिए। और साथ ही में अपने आर्मर और एंटी ग्रेविटी डिवाइसेस के चलते कैंग रिफ्लेक्सेस और स्पीड के मामले में भी लाजवाब है, क्योंकि उसने कॉमिक्स में हरक्यूलिस के अटैक से लेकर कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक को पॉइंट ब्लैंक रेंज पे डॉच किया हुआ है। और तो और एक स्टोरी लाइन में कैंग का आर्मर जब एक्टिव भी नहीं था, तब उसने विजन के एक ब्लास्ट को भी डिफ्लेक्ट कर दिया था। और रिफ्लेक्सेस स्पीड के अलावा कैंग की ड्यूरेबिलिटी भी काबिले तारीफ है, ऑब्वियसली ड्यू टू हिज टेक्नोलॉजीज, क्योंकि कॉमिक्स में कैंग ने थॉर की म्योलनीर की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हिट को भी सर्वाइव किया था, वो भी एक नहीं बल्कि कई बार। और सिर्फ म्योलनीर ही नहीं, बल्कि खुद गॉड ऑफ थंडर थॉर से भी उसकी कई बार फाइट हो चुकी है, जहां कैंग ने थॉर के कई सारे रिपीटेटिव पंचेस को सह लिया था। इवन एक बार थॉर ने जब उसे एक बिल्डिंग में दे मारा था ना, तब कैंग को एक खरोच तक नहीं आई थी, बल्कि वो उठ के खड़ा होकर साइड ही मार रहा था। और तो और एक स्टोरी लाइन में जब हरक्यूलिस ने, ज्यूस के बेटे हरक्यूलिस ने कैंग को एक पंच मारा था ना, तब लिटरली कैंग अपनी जगह से हिला तक नहीं था। गजब बेइज्जती है। और लिटरली ये मोमेंट हरक्यूलिस के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और यहाँ तक कि एक मोमेंट पे कैंग के ऊपर एक पूरा स्पेस स्टेशन गिर के लिटरली एक्सप्लोड हो गया था, जिसने कैंग को बहुत जख्मी तो किया था, मगर फिर भी वो दोबारा खड़ा होकर लड़ने के लिए तैयार था। और कैंग की और उसकी सूट की ड्यूरेबिलिटी का मिसाल तब देखने को मिलती है जब कॉमिक्स में सिल्वर सर्फर के साथ उसकी फाइट हुई थी, और सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक ब्लास्ट कैंग को छू भी नहीं पाई थी। और अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब तो वो अपने आर्मर की वजह से कर रहा है, तो उसके पास क्या है, मगर बता दूं एक स्टोरी लाइन में जब कैंग ने अपना हेलमेट भी नहीं पहना था और उसका आर्मर भी ऑफ था, तब भी उसने हल्क लिंक के पंच को सह लिया था, जो कि बहुत बड़ी बात है। अब देखो ये सब तो कैंग के कुछ खतरनाक फीट्स है, मगर आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि कैंग के कई सारे अल्टरनेट वेरिएंट्स है, इतने सारे कि आप सोच भी नहीं सकते। और प्राइम कैंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उन वेरिएंट्स में से कुछ तो प्राइम कैंग से भी ज्यादा पावरफुल है। अब देखो कॉमिक्स में कैंग का एक यंगर वर्सन था नेथालियन रिचर्ड, जो आगे जाके बना था हीरो आयरन लैड, मगर फिर आगे जाके रेवोना के मौत के कारण वो इवेल बन गया था और खुद को पुकार लगा था किडी मोटस। और ही किडी मोटस आगे जाकर डॉक्टर डूम और एनालिस के साथ मिलकर काम करने लगा था, और एक टाइम के बाद अल्टीमेटली तीनों मार्ज होके बन गए थे कैंग का सबसे पावरफुल वर्सन डूम द एनिहिलेटिंग कॉन्करर। और आप खुद ही सोच के देखो, अगर मार्वल के तीन सबसे बड़े बड़े स्ट्रॉन्गेस्ट विलेन एक साथ मार्ज हो जाए तो क्या बवाल चीज बनेगी, वो कितना खतरनाक होगा, और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग हीरोज का भी वो क्या हाल कर सकता है। और इस पूरी वीडियो का और पूरी कहानी का तात्पर्य यही है कि कैंग एक नॉर्मल बंदा होने के
बावजूद भी हरक्यूलीस, थॉर और सिल्वर सर्फर जैसे सुपर हीरोज को तक नानी याद दिला सकता है अपनी पावर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से, जिसके बदौलत ही उसने कैप्टन मार्वल से लेकर सिल्वर सर्फर तक ना जाने कितने सुपर हीरोज को हराने की कितने सारे तरीका सोच रखा है। और अपनी इसी खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करके उसने कितने सारे उनके वर्सन को मार भी डाला है, कितने वर्ल्ड को तबाह भी किया है, कितने टाइमलाइन को सैटर भी किया है और कितनों पे राज भी किया है। समय को अपने मुट्ठी में लिया है और इसलिए वो अपने आप को कहता है द मास्टर ऑफ टाइम। मगर अगर आपको कैंग के बारे में कुछ और भी खास बातें जाननी है तो राइट में एक वीडियो आ रही होगी, उसको क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको आयरन लैग की कहानी जाननी है तो वो वीडियो स्क्रीन के बाएं तरफ मिलेगी। मगर आज के लिए बस इतने दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और कंटेंट के साथ। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, अपना अपने मन का ख्याल रखना और दोस्तों के काम में मदद करना, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।